हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नंबर 8। यहाँ पे वैल्यू है फाइंड दी वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू ऑफ हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में निकाली है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, लास्ट से वैल्यू चेक करते हैं। टेंजेंट इनवर्स ये आपके पास आ जाएगा 2 × cos 2 और यहाँ से साइन इनवर्स। अब ये वैल्यू है 1/2, साइन जो है 1/2 वैल्यू होती है 30 पे, तो इसको लिखेंगे आप पे साइन 1/2 वैल्यू चेंज करेंगे साइन π/6, ये आपकी वैल्यू रहेगी क्योंकि 1/2 वैल्यू करती है साइन 30 को लिखते हैं π/6। अब साइन से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू रहेगी मेरे पास में टेंजेंट इनवर्स 2 cos 2, साइन से इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू देगा ये आपकी π/6। अब यहाँ से 2 × 3 = 6, वैल्यू आएगी आपके पास टेंजेंट इनवर्स 2 cos π/3, क्योंकि यहाँ रहेगी π/3, 2 से 3 कैंसिल, तो ये π/3। और ये वैल्यू आपके पास में cos 60। अब cos 60 की जो वैल्यू होती है आपके पास वो आती है यहाँ से 2। अब बताइए cos 60 है हमारे पास में 1/2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स 1। अब 1 जो वैल्यू देता है tan वो होता 45 पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/4। और आपको पता है जो टेंजेंट्स की रेंज होती है वो है π/4 बिलोंग करेगा −90 से 90, क्योंकि इसकी रेंज आती है आपकी ओपन 90 से 90 −90, तो यहाँ से बिलोंग करता, तो यहाँ से कैंसिल होगा, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा π/4। तो ये वैल्यू रहेगी आपके पास में इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, काफ़ी टाइम आता है। तो यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनटू 1/2 साइन इनवर्स 2x/(1+x²)+cos 1 − y²/(1+y²)। इसमें हमें दो वेरिएबल हैं x और y, दोनों जगह ही आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म तो है नहीं, फॉर्मूले से आप पुट करेंगे। सबसे पहले पुट करते हैं आप x इक्वल टेंजेंट a, जो x है आपने वो पुट किया tan a, एंड y को पुट कर देंगे आप y इक्वल टेंजेंट b। यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स x, और यहाँ से जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी टेंजेंट इनवर्स y। अब यहाँ वैल्यू है मेरे पास में टेंजेंट, पुट करते हैं इसके अंदर टेंजेंट 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2। अब x आपने माना हुआ है tan a, तो यहाँ पे रख दिया हमने टेंजेंट a डिवाइड बाय, जहाँ पे भी x है, 1+tan²a, क्योंकि आपने x की वैल्यू पुट की है यहाँ पे tan a, तो ये भी टेंजेंट a और यहाँ भी आपका tan²a। ऐसे ही प्लस ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स इंटू में 1 माइनस, अब वाई को जो आपने माना हुआ है वो है टेन बी, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी टेंजेंट स्क्वायर बी। ऐसे ही नीचे आपके जाता है, तो यहाँ भी जो वैल्यू है वो है आपकी 1+y की वैल्यू टेन बी है, तो यहाँ पे रख देंगे आप टेन स्क्वायर बी। ये वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास फॉर्मूले, दोनों के दोनों आपके 11th में आते हैं ये फॉर्मूले, ये आ जाएगा मेरे पास में टेंजेंट 1/2 इंटू साइन इनवर्स, ये आपके पास में फॉर्मूले हैं 2 tan a डिवाइड बाय
वन प्लस टेन स्क्वेयर ए, ये होता था आपके पास में साइन टू ए का फॉर्मूला, क्योंकि साइन टू ए आपके पास में टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स भी होता है, लेकिन ये टेंजेंट में था टू टेन ए डिवाइड बाय वन प्लस टेन स्क्वेयर ए। ऐसे ही यहाँ पे भी आपके कोस के काफ़ी फॉर्मूले होते हैं, ये टेंजेंट में होता था कोस टू बी का, तो इसको लिखेंगे आप कोस टू बी, क्योंकि कोस टू बी की वैल्यू भी आपकी वन माइनस टेन स्क्वेयर बाय वन प्लस टेन स्क्वेयर, इसमें फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से हमने क्या किया, साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल किया, तो ये आ जाएगा आपके पास टेंजेंट इंटू वन बाय टू, यहाँ से साइन से इनवर्स कैंसिल, तो ये रहेगा आपका टू ए प्लस, यहाँ से कोस से इनवर्स कैंसिल, ये हो जाएगा आपका टू बी। अब क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा टेन वन बाय टू, यहाँ मल्टीप्लाई टू कॉमन, क्योंकि दोनों में से टू कॉमन लेते हैं आप, तो ए प्लस बी रहेगा, टू से टू कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आई है टेन ऑफ ए प्लस बी। अब हमारे पास फॉर्मूले हैं भी इनवर्स में वैल्यू रखें, तो इनवर्स के फॉर्मूले होंगे, यहाँ डायरेक्ट टेन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा जो फॉर्मूला है टेन ऑफ ए प्लस बी, उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, टेन ऑफ ए प्लस बी के लिए रहेगा आपके पास फॉर्मूला टेन ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड बाय वन माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, और यहाँ से टेन ए, ये हमारे पास वैल्यू थी, टेन ए की वैल्यू है एक्स, तो वापस वैल्यू पुट कर दी जाएगी एक्स प्लस, ऐसे ही टेन बी है जो वो आपके पास वाई है, तो ये आपके पास वन एक्स प्लस वाई, ऐसे ही यहाँ बी के स्थान, ऐसे नीचे भी वन, टेन ए की वैल्यू फिर एक्स, और टेन बी आपने माना हुआ था इंटू में वाई, क्योंकि आपके पास एक्स है टेन ए और y है tan b, तो tan a की वैल्यू x यहाँ पुट कर दिया, tan b की वैल्यू हमने y वो पुट कर दिया है। इसको आप अल्टरनेट भी कर सकते थे इनवर्स के अकॉर्डिंग भी, आप अगर इनवर्स में करना चाहते हैं तो यहाँ से अदर्स ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, tan ऑफ a की वैल्यू इनवर्स में रखी जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बट अब ये जो प्रॉपर्टी है वो काट दी गई है, इससे करना चाहते हैं तो इससे भी कर सकते हैं, tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस y की आइडेंटिटी होती है हमारे पास में एक, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी होती है सेकंड चैप्टर में ही, लेकिन अब ये प्रॉपर्टीज काट दी गई हैं, इसलिए आप सीधा tan a प्लस b से ही करेंगे। अब टेन से इनवर्स करेंगे तो सेम आंसर देगा यहाँ से, ये एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय वन माइनस एक्स वाई, इसको आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, और हमने इसको डायरेक्ट भी कर दिया अभी टेन ऑफ ए प्लस बी, ऐसे करें या इस तरह से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।